फ्रेंड्स, आज मैं स्मृति जैन राधा माधव पब्लिक स्कूल से आपको अलंकार के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। अलंकार, अलंकार शब्द अलम तथा कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ होता है सजाना या सुंदर बनाना। जिस प्रकार कोई भी स्त्री अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती है, उसी प्रकार काव्य में सुंदरता लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और ये सौंदर्य या चमत्कार दो तरह से उत्पन्न होता है काव्य में, एक तो शब्दों के द्वारा और एक अर्थों के द्वारा। तो आज हम पहले अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या उसमें सुंदरता आ जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है। आप वर्ण जानते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है क, ख, अ। तो जब किसी भी काव्य में वर्णों की आवृत्ति होना माने बार बार आना, अगर कोई एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, यहाँ चार वर्ण बार बार आया है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है या दो बार आता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए पौरा बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। धतूरा आप जानते हो शिव जी को चढ़ाया जाता है, नशीला फल होता है, उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाता है तो व्यक्ति अपना होशवाश खो बैठता है। तो कनक कनकते, जिस व्यक्ति पे अगर धतूरा सीमित मात्रा से ज़्यादा खा लिया तो वो अपने होशवाश खो बैठता है। और दूसरी इसका अर्थ निकलेगा कनक माने सोना। जिस व्यक्ति पर सोना जैसी कीमती धातु अगर मात्रा से अधिक आ जाए तो क्या होता है, उसमें अहंकार आ जाता है। तो यहाँ आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कनक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, इस कारण इसमें यमक अलंकार होगा। तीसरा है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। किसी भी काव्य में जब वाक्य में शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द तो एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन माने मांगने वाला। और यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक पट माने दरवाज़ा और एक पट माने वस्त्र। मंगन को देख पट देत बार बार, कोई स्त्री है वो मंगन माने मांगने वाले को देख कर बार बार अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। दूसरे पट का अर्थ है वस्त्र, तो मांगने वाले को देखकर स्त्री बार बार उसको वस्त्र दे देती है। तो इस सनाश्लेष अलंकार में कोई भी शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। स्पष्ट हो गया आप लोगों को शब्दालंकार के तीनों भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष, आज आपने जाने। अब अगले भाग में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। थैंक यू।